हेलो दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं दोस्तों हर्बल ड्राइग टेक्नोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एके टी यू का जो कि दो हज़ार इक्कीस बाईस में कंडक्ट कराया गया था इस पेपर को बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें पता है आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के द्वारा बहुत ही हेल्प मिल रहे हैं एग्जामिनेशन में तो दोस्तों एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से बहुत ही आसान तरीके से इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उस लेक्चर को पूरा देखना अगर किसी को कहीं पर कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना तो चलिए दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में मैं हूं अंकित कुमार चतुर्वेदी और मैं जा रहा हूं सॉल्व करने आप लोग को हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलिए दोस्तों जो मैंने आप लोगों को अभी स्क्रीन पर हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी का 2021-22 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाया हूँ वही क्वेश्चन पेपर मैंने इस कॉपी में लिख दिया हूँ उसको आसान तरीके से एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से लिख करके सॉल्व करके हम लोग देखते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हाउ ड्रग सॉरी हाउ हर्ब ड्रग इंट्रैक्शन कैन बी गुड समाइम अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन कहाँ से बना हुआ है ये आप लोग अपने सिलेबस को निकाल के देखिए ये क्वेश्चन आप लोग का यूनिट टू का है जो कि सबसे पहला चैप्टर है न्यूट्रास और दूसरा है, हर्बल ड्रग एंड हर फूड इंट्रेक्शन तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो चलिए अब देखते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे दी हर्ब ड्रग ड्रग इज रिएक्शन ऑफ विद फूड एंड एनअर ड्रग मालिक्यूल्स विच दी प्रेजेंट इन दी आई टी जो कि हमारे गेस्टोटैनल में क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं सो इट्स आप टन रेस्क्यू टू न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट एलोन्स विद द एनअर सप्लीमेंट एंड मेडिसिन दे आर फॉलोइंग गाइडलाइंस विच मिनिमाइज दी हर्ब एंड हर फूड इंट्रेक्शन बहुत सारी इसमें फॉलोइंग क्या हैं हर्ब फूड इंट्रेक्शन के गाइडलाइन है जिसके बारे में हम लोगों ने यूनिट टू में बहुत ही आसान तरीके से डिस्कस किया है अगर आप लोगों ने हमारे लेक्चर देखा होगा तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देखते ही समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से बना है किस यूनिट से बना है और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ठीक तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इन लिस्ट फ्यू इंडस्ट्रीज एंड इंस्टीट्यूशन वर्किंग फॉर प्लांट बेस्ड मेडिसिन अब ये क्वेश्चन हमारा किस यूनिट से बना हुआ है पहले ये जानते हैं ये क्वेश्चन हमारा बना हुआ है यूनिट फाइव से यूनिट फाइव निकालिए देखिए यहाँ पर आप लोग का है प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री एंड इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व फॉर वर्किंग मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट इन इंडिया तो ये क्वेश्चन पता चल गया आप लोग को कि ये किस यूनिट का है जिसमें हमें कुछ बताना है इंडस्ट्रीज एंड इंस्टीट्यूशन जो कि किस पे बेस हो प्लांट बेस मेडिसिन तो चलिए जानते हैं देखिए सबसे पहले जानेंगे हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो कि क्या है इंडिया में सेंट्रस ऑफ इंडिया तो इंस्टीट्यूट के बहुत सारे नेम यहाँ पे दिए गए हैं जो आप लोगों को आसान लगे चार पाँच छः सात इंस्टीट्यूट के नाम तैयार कर लेना किस सिटी से है ये तैयार कर लेना आप लोग ठीक ये हो गए अब देखिए कुछ लिस्ट है हर्बल ड्रग इंडस्ट्रीज़ की जो कि कहाँ में है इंडिया में है ठीक तो हमारे देखिए इंडस्ट्रीज के कुछ नेम दिए गए हैं यहाँ पे और एक दो नेम और यहाँ पे इंक्लूड हैं जो कि देखिए सबसे पहला हो गया पतंजलि आयुर्वेद हो गया श्री श्री आयुर्वेदा हो गया जो कि बेंगलुरु में है पतंजलि आयुर्वेद हमारा उत्तराखंड से है ठीक तो ये सब इम्पॉर्टेंट है थोड़ा बहुत इसको तैयार कर लेना अब देखिए जो आपके पेपर में दिया गया है वो क्वेश्चन सी ये वाला है मैंने पहले डी लिख दिया है फिर यहाँ पे सी लिखा है तो पहले बात करते हैं सी का सी का क्वेश्चन क्या है हमारा न्यूट्रासुटिकल का डिफीनिशन लिखना है अब न्यूट्रासुटिकल क्या होता है तो इसके बारे में मैंने बताया था कि जो हमारा न्यूट्रासुटिकल होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है न्यूट्रा प्लस सुटिकल न्यूट्रा का मतलब होता है न्यूट्रिशन और सूटिकल का मतलब होता है फार्मासुटिकल तो इसका मतलब क्या हुआ द टर्म न्यूट्रास्यूटिकल न्यूट्रा न्यूट्रासटिकल का जो टर्म है वो डॉक्टर स्टीफिन डी फ्लैक ने यूएसए के थे इन्होंने अट्ठारह सौ नवासी ईस्वी में क्या किया था दिया था ठीक तो उसके बारे में क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डी फ्लैस न्यूट्रासकल कैन बी डिफाइन एज ए फूड या फिर ए पार्ट ऑफ फूड फूड हो गया या फिर पार्ट ऑफ फूड दैट प्रोवाइड ए मेडिसिनल या फिर हेल्थ बेनिफिट जो कि दिया जाता है मेडिसिनल या फिर हेल्थ के बेनिफिट के लिए इंक्लूडिंग द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ए डिजीज ठीक ये हमारा होता है न्यूट्रासडिकल का डिफिनीसन न्यूट्रासकल को दो पार्ट में अगर तोड़ के लिखेंगे तो आसानी से आप लोग लिख सकते हैं इसके बारे में ठीक तो आई होप आप लोग को यह भी क्वेश्चन आसान तरीके से समझ में आ गया होगा अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है ट्राइडोस थियरी ऑफ आयुर्वेदा अब आयुर्वेदा क्या होता है तो आयुर्वेदा जो होता है हमारा ये भी दो वर्ड से मिलकर बना होता है टर्म आयुर्वेदा इज ड्राइव फ्रॉम टू संस्कृत वर्ड दो संस्कृत वर्ड से ड्राइव हुआ है आयुर प्लस वेदा आयुर् मतलब होता है लाइफ और वेदा का मतलब होता है नॉलेज या फिर साइंस होता है देअर फॉर आयुर्वेदा मीन्स साइंस डिपेंड अपॉन द रिलीज एंड फिलोसफी बेस्ट डीलिंग विद द प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ इट इज आल्सो डेवलप ए वाइड रेंज थेरापुटिक मेजर टू दी कॉम्बैक्ट इलनेस ठीक तो आयुर्वेदा जो वस्तु जो हमारा होता है ये संस्कृत के दो वर्ड से मिलकर बना होता है एक होता है आयुर और दूसरा होता है वेदा आयुर का मतलब होता है लाइफ और वेदा का मतलब होता है नॉलेज या फिर साइंस आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी आसान तरीके से समझ में आ गया होगा तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन एनलिस्ट दी अप्रोच फॉर दी स्किन हेयर कॉस्मोटिक ये क्वेश्चन आपका कहाँ से बना हुआ है ये क्वेश्चन आपका दोस्तों है हर्बल टेक्नोलॉजी का यूनिट थर्ड का यूनिट थर्ड आप लोग का क्या है हर्बल कॉस्मोटिक वाला चैप्टर हर्बल कॉस्मोटिक का क्लास सॉरी टाइप बताया था कि ये बेसिकली तीन टाइप के होते हैं स्किन केयर हेयर केयर एंड अदर अब स्किन केयर के बारे में पूछा है स्किन केयर में क्या क्या होता है जो कि बताया था कि देखिए यहाँ पे स्किन केयर में क्या क्या होते हैं देखिए मैंने बताया था हर्बल ड्रग सॉरी हर्बल कॉस्मोटिक जो होता है ये बेसिकली इसमें तीन कैटेगरीज होते हैं एक होता है स्किन केयर दूसरा होता है हेयर केयर और चौथा होता है अदर ठीक स्किन केयर में हमारे स्किन को केयर करने के लिए जो जो चीज़ें हम लोग यूज करते हैं वो हमारा होता है स्किन केयर हेयर केयर में बहुत सारे चीज़ों को हम लोग यूज करते हैं देखिए स्किन केयर में क्या हो गया सबसे पहले कि स्किन क्लियरेंस हो गया मॉइस्चराइजर हो गया नो हो गया एंटीसेप्टिक्स हो गया स्मूथिंग एजेंट हो गया ठीक सन क्रीम हो गए एंटी एंटीवेरेंस एंड एंटी जिंजिंग हो गए एंटी एकेस हो गए ये सब हमारा एन सॉरी स्किन केयर के प्रोडक्ट हैं ठीक स्किन केयर के लिए ये सब यूज किए जाते हैं जिससे हमारा स्किन एकदम अच्छे तरीके से सही रहे हेयर केयर में हम लोग जानते हैं डिटर्जेंट हो गए कंडीशनर हो गए नाउसर्स हो गए हेयर कलर बहुत सारे आते हैं जो कि हम लोग कभी हेयर आप लोग देख ही रहे हैं बहुत सारे लोग लगा रहे हैं कभी अपने हेयर को पूरा सफ़ेद कर ले रहे हैं कभी रेड कर ले रहे हैं कभी एकदम गोल्डन कलर कर ले रहे हैं ठीक तो ये सब होता है हेयर केयर प्रोडक्ट ठीक कुछ अदर में हो गए कलर क्या हो गए अदर्स में कलर्स हो गए परफ्यूम्स हो गए टेलक्यूम पाउडर हो गए ओरल केयर प्रोडक्ट हो गए ये सब अदर में आते हैं तो इतना तो पता चली गया होगा क्या होता है स्किन केयर में क्या होता है हेयर केयर में क्या होता है अदर में ठीक इसीलिए पूरा डिस्कस कर दिया क्योंकि अभी ये पूछा है इसमें ये भी पूछ सकता है ठीक अदर्स में भी पूछ सकता है तो ये आप लोग जानना जरूरी है कि स्किन केयर में क्या क्या होते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डिटरमाइन द यूटिलिटी ऑफ फाइटोसोम्स ओवर अदर फार्मुलेशन ये क्वेश्चन आपका कहाँ से बना हुआ है आप लोग जानते हैं कि यूनिट थ्री में तीन चैप्टर हैं हर्बल कॉस्मोटिक हर्बल एक्सपीसियंट और हर्बल फार्मुलेशन तो ये क्वेश्चन हमारा हर्बल फार्मुलेशन से है जो कि मैंने आप लोगों को लेक्चर में ही बहुत ही आसान तरीके से फाइटोसोम के बारे में समझाया था अगर लेक्चर देखे होंगे तो आप लोग को याद आ गया होगा तो फाइटोसोम हेडिंग डालेंगे दी कॉन्सेप्ट ऑफ फाइटोसोम इज अनदर ब्रेक थ्रू फॉर द डेवलपमेंट इन हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी फाइटोसोम कंटेन हर्बल एक्टिव इन्ग्रीडियंट ठीक सराउंडेड एंड बाउंडेड बाय द फिलोसफीज दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द बॉन्डिंग क्या है फॉस्फ्रोल कोलिडियंस विथ दी इनग्रीडियंट दे आर बाय द प्रोड्यूसिंग ए कॉम्प्लेक्स ठीक आप लोग इसका थोड़ा सा ये जरूर बना लेना स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर के बारे में बहुत आसान तरीके से लेक्चर में समझाया हूँ जिसमें हमारा क्या होता है लाइपोसोम होता है फॉस्पोलिपिट होता है ड्रग कॉम्प्लेक्स एंड फाइटोसोम ठीक तो ये आप लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर आसान तरीके से कॉपी में बना करके प्रैक्टिस जरूर कर लेना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का ठीक जो कि देखिए फाइटोसोम के बारे में अगर पूछा है तो ये बना देंगे स्ट्रक्चर थोड़ा सा अच्छा लगेगा अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हाउ ए एस एच वैल्यू इज डिटरमाइंड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल ड्रग ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है इस क्वेश्चन को आप लोग को देता हूँ होमवर्क आप लोग को हमारे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताना है जो लोग बता देंगे वो तो ठीक है मैं तो देख ही लेता हूँ और रिप्लाई भी कर देता हूँ जैसे कि अदर सब्जेक्ट में मैंने एक दो क्वेश्चन होमवर्क दिया था बहुत सारे स्टूडेंट ने वहाँ पर आंसर कर दिया था इसीलिए मैंने दोबारा से आंसर नहीं लिखा था लेकिन अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे तो मैं इसका आंसर ज़रूर आप लोग को वहाँ पे बता दूंगा और दोस्तों ये होमवर्क आप लोग को इसलिए देता हूँ जिससे आप लोग अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता है तो सीधा सीधा जाते हैं गूगल पे खोजते ही होंगे हमें तो पता ही आप लोग शायद जाते होंगे गूगल पे खोजने लेकिन इस क्वेश्चन को जाके वहाँ पे लिखेंगे और फिर वहाँ से कट करके लेके आएंगे कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो कुछ न कुछ पढ़वे करेंगे आप लोग जब पढ़ेंगे तो वो आप लोग को तो याद ही रहेगा ठीक तो देखिए ए एस एच पहलू आप लोग के एग्जामिनेशन में कभी कभी ये भी फुल फॉर्म पूछ लेगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आँसू आँसू का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग को पता है आँसू का फुल फॉर्म क्या होता है आयुर्वेदा सिद्धा होम्योपैथी यूनानी ये आँसू का फुल फॉर्म पूछ सकता है जो कि आप लोग तैयार कर लेना आँसू का मतलब होता है आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी होम्योपैथी ठीक ये तो थोड़ा बेसिक मैंने बता दिया हो सकता है एग्जाम में कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं चलिए ये क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे देना नहीं बता पाएंगे तो तो मैं हूँ ही ठीक अगला क्वेश्चन क्या है राइट ए सार्ट नोट ऑन बायो पायरेसी बायो पायरेसी क्या होता है अब दोस्तों बायो पायरेसी होता क्या है बायो पायरेसी का मतलब होता है जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे नोट नोट जो है हैंड राइटिंग में खुद ही लिख लिख के बहुत सारे नोट को बनाया हूँ बनाया हो ना जो कि आप लोग को पी में बना करके अपने टेलीग्राम ग्रुप सपोर्टिंग आप फार्मेसी में सेंड कर देता हूँ और आप लोग आसानी से फ्रीली डाउनलोड करके आप लोग उसको निकलवा करके पढ़ते हैं पढ़ते हैं ना लेकिन अगर कोई स्टूडेंट एक काम करे कि मेरा सभी नोट्स ले करके और सभी नोट्स कलेक्ट करके उस नोट्स को ले जा करके के जैसे अगर किसी को बी फार्मेसी सिक्स सेमेस्टर का नोट्स चाहिए तो हमारे पास पर्सनल कमेंट करें हमें सौ रुपये दें हम आप लोगों को पूरा का पूरा नोट्स सिक्स सेमेस्टर का दे दूँगा हमारा ही नोट्स ले ले वो फ्री में और हमारे नोट्स पर अपना नेम लिख दे ऊपर ठीक अपना नेम लिख करके उसे लगे बेचने सेल करने लगे बनाया हूँ मैं लेकिन बेचे कोई और तो उसे हम लोग कहते हैं बायो पायरेसी इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए हिंदी में भी यहाँ पे लिख दिया हूँ किसी के दूसरे के खोज किए हुए प्रोडक्ट जैसे कि कोई दूसरा आदमी उस प्रोडक्ट को खोज किया है और आप लेकर के उसे अपने पैक में पैक करके उसका करने लगे बिजनेस उसे हम लोग बायो पायरेसी कहते हैं जो कि इल्लीगल होता है अगर उसको कंप्लेन किया जाए तो उसे बहुत सी बहुत कड़ी सज़ा भी मिल सकती है यही प्रोसेस हमारा होता है बायो पायरेसी का इसका डिफिनीसन आसान तरीके से यहाँ पे लिखे गए हैं इसको लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है विच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड एच पर शेड्यूल टी शेड्यूल टी के बारे में पूछा है तो शेड्यूल टी हमारा जो है ये हमारे यूनिट फाइव का क्वेश्चन है तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे लिखा गया है शेड्यूल टी रिक्वायर्ड जीएमपी एम फैक्ट्री प्रेमिस ऑफ फार आयुर्वेद सिद्धा यूनानी ड्रग फॉर गेटिंग ए सर्टिफिकेट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी ड्रग एंड दलमेड अप्लीकेशन प्लेन पेपर्स प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन एक्सिस्टिंग द मैनुफैक्चरिंग यूनिट एंड द लाइसेंसिंग अथॉरिटी बी वेरिफिकेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट एज पर शेड्यूल टी इशूज सर्टिफिकेट विद इन पीरियड थ्री मंथ ठीक अगर कोई इशूज हो जाता है तो उसका पीरियड तीन मंथ का होता है इन दाम आप ट्वेंटी सिक्स ठीक शेड्यूल टी के बारे में बहुत ही आसान तरीके से शायद मैंने अगर लेक्चर लिया होगा तो ये सब आप लोगों को बताया ही होगा ठीक अगर नहीं लिया है तो कोई बात नहीं अगर मैंने लेक्चर अटेंड कराया आप लोगों को तो ये सब बहुत आसान तरीके से शायद समझाया हूँ ठीक अब इस यूनिट में मैंने अगर इस यूनिट का नोट्स आप लोग को शायद प्रोवाइड नहीं किया हूँ तो आज इवनिंग तक आप लोगों को यूनिट फाइव का नोट्स प्रोवाइड भी कर दूँगा तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब देखिए लास्ट में हमारा जो क्वेश्चन पूछा है अब जा के यूनिट फर्स्ट के पहले चैप्टर से क्वेश्चन बनाया है स्टेट द डिफिनेशन ऑफ फर्ब हर्ब क्या होता है और हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट क्या होते हैं जो कि पहले चैप्टर का पहला दूसरा टॉपिक है ठीक तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों सबसे पहले पूछा है कि हर्ब क्या होता है दी टर्म हर्ब हर्ब का जो टर्म होता है डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड से हर्बा हर्बा के लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है जिसका मतलब होता है ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट प्लांट का जो ग्रीन पार्ट होता है वही हमारा हर्ब होता है तो इसका मतलब क्या हुआ इट मीन्स एनी पार्ट विच इज आप फ्रॉम द ग्रीन पार्ट ऑफ़ द प्लांट दे आर कॉल्ड एज हर्ब मतलब क्या हुआ कोई भी पार्ट कोई भी प्लांट जो कि कोई भी चीज़ हो गया जो कि हमारा ऑप्टेंट किया जाता है प्लांट के ग्रीन पार्ट से उसे हम लोग हर्ब कहते हैं हर्ब इज इंक्लूड एनी पार्ट ऑफ द प्लांट हर्ब जो होता है इंक्लूड होता है प्लांट के किसी भी पार्ट में जैसे कि पत्तियां हो गई रूट हो गए, फ्लावर हो गए सूड हो सॉरी सीड हो गए उड़ बार्क हो गए ये सब कुछ भी अगर उसमें इन्वॉल्व है वो हमारे हर्ब होते हैं अभी इसमें पूछा एक क्वेश्चन और हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट हर्बल मेडिसिन भी जान लीजिए क्या होता है एनी ड्रग कोई भी ड्रग मटेरियल जो कि हमारा डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अपटेंड किया जाता है प्लांट के फार्म में ठीक तो उसे हम लोग हर्बल मेडिसिन कहते हैं हर्बल मेडिसिन बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, हैं आप लोग जानते ही होंगे हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट क्या होते हैं एनी एक्सट्रैक्ट या फिर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूंट जो कि एक्सट्रैक्ट होता है कहाँ से हर्बल मेडिसिन से उसे हम लोग हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट कहते हैं तो ये हो गया पूरा का पूरा सेक्शन ए का क्वेश्चन सेक्शन ए का वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है इसमें एक क्वेश्चन होमवर्क भी दिया हूँ जिसको आप लोग आसान तरीके से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है अब हम लोग दोस्तों बात करने जा रहे हैं सेक्शन बी की सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है पहला क्वेश्चन है एग्जामिन रोल ऑफ न्यूट्रासीटिकल इन डायबिटीज प्रूफ इम्पॉर्टेंस ऑफ अमला एंड जीसिंग आइस न्यूट्रासुटिकल तो सबसे पहले हम लोगों ने बात किया है कि न्यूट्रासुटिकल क्या होता है दो नंबर में इसमें डायबिटीज़ क्या होते हैं अब डायबिटीज के बारे में आप लोग पढ़े हैं डायबिटीज क्या होता है कैंसर क्या होता है ये सब के बारे में फार्माकोलॉजी में पढ़ते आ रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ते आप लोग आ रहे हैं ठीक तो इनके आंसर क्या होंगे चलिए जानते हैं डायबिटीज न्यूट्रासुटिकल में और इसमें क्वेश्चन पूछा है अमला एंड जिन्सिंग के बारे में जिसमें हम लोग जाने थे इस क्वेश्चन के आंसर देख लीजिए थोड़ा सा सेक्शन बी का आंसर है रोल ऑफ न्यूट्रोसुटकल इन वेरियस डिजीज बहुत सारी डिजीज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत जाना था तो इसमें कौन कौन से डिजीज़ हैं देखिए इसमें कॉलम बना के आप लोग को लेक्चर में समझाया था प्लांट कांस्टिट्यूट एंड डिजीज डिजीज में देखिए डायबिटीज़ यहाँ पे पूछा गया जो कि एंटी इन्फ्लामेट्री एंटी माइक्रोबियल प्रोस्पेक्टिव न्यूट्रा डिटर्जेंटेटिव डिसऑर्डर हो गए हैं ठीक तो डायबिटीज में सब हो गए हैं उसके बाद कैंसर क्या होते हैं कैंसर के बारे में हम लोगों ने बहुत आसान तरीके से फार्माकोलॉजी में पढ़े हुए हैं कैंसर क्या होते हैं कार्डियोवेस्कुलर डिजीज क्या होते हैं जी आई टी गेस्टूंट स्टैंडल ट्रैक क्या होते हैं ठीक ये सब के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है इसीलिए ज़्यादातर इसमें हम लोगों ने थोड़ा बहुत करके डिस्कस किया है जो कि इसमें कुछ प्लांट प्लांटिट्यूंट भी इंक्लूड है।, ये प्लांट हो है और ये हमारा कोई डिजीज हो गए तो डिजीज के बारे में तो पूछा ही है इसमें लेकिन इसमें एक क्वेश्चन बना दिया है कि जिनसिंग एंड अमला के बारे में भी लिखना है तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं ये आप लोग वीडियो को रोक करके अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं अब अमला और जिनसिंग में क्या लिखेंगे अमला का सिनमिक्स क्या होते है? होता है अमलांकी होता है इंडियन गोसबेरी होता है बायोलॉजिकल सोर्स इनके क्या होते हैं फैमिली क्या होते हैं इनके इनके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूंट क्या होते हैं और इनके यूज क्या होते हैं ये आप लोगों को अमला में पूरा डिस्कस कर देना है जिनसे में दस नंबर में अगर पूछा है तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से लिखना ये मैं शार्ट कट में कर दिया हूँ इतने में करके लिख दिया हूँ लेकिन इसको आप लोग को एग्जाम में अगर लिख रहे हैं तो अमला के बारे में कम से कम एक पेज लिखना है अब आप लोगों को कैसे लिखना है एक पेज में तो इसको दोस्तों लिखने का भी एक तरीका होता है जैसे यहाँ पे बड़ा सा हेडिंग डालेंगे अमला ठीक अमला के बारे में लिखना है आप लोगों को तो अमला हेडिंग डालेंगे उसके बाद क्या लिखेंगे सिनोमिनस सिनोमिंस यहाँ पे पहले हेडिंग डालेंगे ये तो बड़ा सा बीच में हमारा हो गया अमला उसके बाद यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सिनोमिनस सिनोमिंस क्या होता है इस तरीके से लिखना है सिनोमिंस हो गया उसके बाद बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है फैमिली किसके होते हैं एक्टिव कॉन्स्टिट्यूंट क्या होते हैं यूज क्या होते हैं थोड़ा दूरी दूरी करके एकदम अच्छी तरीके से लिख करके इसको एक पेज में करना ये अमला के बारे में हो गया उसके बाद जिन्सिन का क्या होता है सिनोमिन्स इसका सिनोमेंस लिखेंगे इनके बायोलॉजिकल सोर्स क्या होते हैं इनके फैमिली क्या होते हैं इनके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूंट क्या होते हैं और इनके यूज़ क्या होते हैं ये भी आप लोगों को लिख देना है उसमें दोनों के बारे में पूछा है तो दोनों का डिटेल एकदम अच्छी तरीके से आप लोगों को वहाँ पर लिख देना है ठीक तो आई होप आप लोग को ये भी क्वेश्चन एकदम आसान तरीके से समझ में आ गया होगा तो चलिए अब बात करने जा रहे हैं सेक्शन बी के नेक्स्ट क्वेश्चन की इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एक्सप्लेन देंट रिक्वायर टू मेक दी हर्बल टेबलेट अब ये क्वेश्चन हमारा किस में से है ये क्वेश्चन हमारा है हर्बल एक्सपीसियंट हर्बल एक्सपीसियंट हमारा किस यूनिट का है ये हमारा यूनिट थ्री का सॉरी हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी का यूनिट थ्री का चैप्टर टू है हर्बल कॉस्मोटिक हर्बल एक्सप्रेशियन और हर्बल फार्मुलेशन तीन चैप्टर हैं इसमें यूनिट थ्री में जो कि दूसरे चैप्टर से ये क्वेश्चन बना हुआ है ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप लोग थोड़ा सा अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए और देखिए हर अपने यूनिट में किस किस यूनिट से कहां कहां से क्वेश्चन किस तरीके से बन रहे हैं इसीलिए आप लोग को ये थोड़ा सा आप लोग को सिलेबस के अकॉर्डिंग बताते हुए चल रहा हूं कि ये क्वेश्चन किस यूनिट से बना है ये क्वेश्चन किस यूनिट से बना है इसीलिए सब कुछ बता रहा हूं तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर अब डिस्कस कर लेते हैं वैसे इस यूनिट का मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिया हूँ जो आप लोग को नोट्स दिखा रहा हूँ इसका नोट्स आप लोग को ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम ग्रुप सपोर्टिंग ऐप फार्मेसी में अपलोड है वहाँ से जा कर के नहीं है आपके पास तो सीधा सीधा कलेक्ट कर लेना तो हर्बल एक्सपीसियंट क्या होता है पहली बात तो जानना ये है तो हर्बल एक्सपीसियंट का मतलब होता है किसी भी ड्रग या डोज के फॉर्म में जो अदर मटेरियल को हम लोग यूज़ करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं एक्सपीसियंट कहते हैं और इनके जो है कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होते हैं ठीक ये केवल बल्क को प्रोवाइड करता है भारीपन को प्रोवाइड करता है जिससे थोड़ा सा उसका वैल्यू बढ़ा रहे ठीक तो ये हमारा एक्सपीसिएंट के बारे में टोटल दिया गया है हर्बल एक्सपीसिएंट लिखेंगे फिर इसके एडवांटेज क्या होते हैं दो चार पॉइंट ये डिस्कस कर लेना है आप लोगों को ठीक उसके बाद इनके डिसएडवांटेज क्या होते हैं ये भी लिख लेना है उसके बाद इनकी क्लासिफिकेशन भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेना है जैसे कि हर्बल एक्सपीसियंट का क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है इसमें हमने आप लोगों को बताया था क्या क्या होते हैं कलरेंट होते हैं डाइलेंट होते हैं स्वीटनर होते हैं डिसंटीग्रेटिंग एजेंट होते हैं बाइंडिंग एजेंट होते हैं विस्कोसिटी बिल्डर्स होते हैं ऑइंटमेंट बेस होते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं ये सब हमारे किसके क्लासिफिकेशन है ये सब हमारे किस में इंक्लूड होते हैं हर्बल एक्सपीसियंट में तो ये सब पूरा डिटेल आप लोगों को लिखना है उस सेक्शन बी के क्वेश्चन में क्योंकि सेक्शन बी का क्वेश्चन है इसीलिए इसमें पूरा का पूरा डिटेल लिखना रहता है अब देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन कहाँ से बना हुआ है इसका आंसर क्या होगा देखिए जस्टिफाई द प्रिंसिपल ऑफ गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस तो इसके बारे में मैंने बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को अपने लेक्चर में बताया हूँ जो कि आप लोग को यूनिट फर्स्ट का ही दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन है बायोडाइनमिक एग्रीकल्चर में गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसस है अगर आप लोग लेक्चर देखे होंगे तो सही है नहीं देखें तो इसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेंगे तो पूरा का पूरा इसका डिटेल आप लोग को समझ में आ जाएगा अगर इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझाने बैठूँ तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसीलिए अगर एक बार लेक्चर देख लेंगे तो ये आप लोग को टोटल समझ में आ जाएगा ठीक दोस्तों तो चलिए आप हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं सेक्शन सी से की सेक्शन सी से हमारा क्या है सेक्शन सी से में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है पहला क्वेश्चन हमारा है एग्जामिन स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ हर्बल ड्रग एच पर डब्ल्यू गाइडलाइन अब ये क्वेश्चन आप लोग को कहाँ से बना हुआ है ये क्वेश्चन आप लोगों के सिलेबस में देखिए यूनिट फोर का पहला ही चैप्टर है इवेल्युएशन ऑफ ड्रग में देखिए क्या लिखा गया है डब्लू एच ओ एंड आई सी गाइडलाइन फॉर द एसेसमेंट ऑफ हर्बल ड्रग स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ फर्बल ड्रग और वही क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ फर्बल ड्रग एज पर डब्ल्यू एच ओ गाइडलाइन तो इवेल्युएशन ऑफ ड्रग्स क्वेश्चन ये बना हुआ है इवेलुएशन ऑफ ड्रग का मतलब क्या होता है दवाओं का मूल्यांकन करना ठीक डब्ल्यू एच ओ आई आई सी एस गाइडलाइन फॉर दी एसेसमेंट ऑफ हर्बल ड्रग क्या होता है असेसमेंट हो गया एवेलुएसन हो गया स्टैंडाइजेशन ड्रग हो गए ये सब का मतलब होता है कन्फर्मेशन ऑफ इट्स आइडेंटिटी डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी एंड प्योरिटी एंड डिटेक्शन ऑफ नेचर एडल्ट्रेंट द वेरियस पैरामीटर जैसे कि हमारा हो गया क्या फार्माकोलॉजिकल माइक्रोस्कोपिक फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन एंड द एवेलुएसन हर्बल ड्रग दी इवेल्युएशन ऑफ हर्बल ड्रग इज नेसेसरी बिकॉज इसमें तीन रीजन होते हैं क्योंकि ये जो होता है इवेलुएशन ड्रग का इवेलुएसन करना वो बहुत ही नेसेसरी बहुत ही आवश्यक होता है क्योंकि इसमें तीन रीजन होते हैं मेन कौन कौन से होते हैं एक होता है बायोकेमिकल वेरिएशन इन ड्रग डिटन ड्यू टू इम्प्रॉपर प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज एडल्ट्रेशन एंड सब्सटीट्यूशन हो गया ठीक जिसके बारे में यहाँ पे दो दो लाइन करके आप लोगों को दो चार डिफिनेशन लिखना है क्रूड ड्रग क्या होते हैं क्रूड ड्रग अकरेंस क्या होते हैं हर्बल ड्रग फार्मूलेशन क्या होते हैं गाइडलाइन क्या होता है क्वालिटी कंट्रोल एंड हर्बल फार्मूलेशन का डिफिनीसन कुछ लिखना है ड्रग इवेलुशन का जिसमें हम लोग बात करेंगे आइडेंटिटी क्या होता है क्वालिटी क्या होता है और क्या होता है प्योरिटी क्या होता है ठीक उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या होता है ऑफ क्रूड ड्रग का उसके बाद इनमें कौन कौन से मेथड इंक्लूड होते हैं ठीक दो चार पॉइंट इंस्टीट्यूट के नाम भी आप लोग तैयार कर लेना लेबोरेटरीज एंड नेशनल इंस्टीट्यूट भी थोड़ा तैयार कर लेना ये दो नंबर के भी क्वेश्चन आप लोग के यहाँ पर बन सकते हैं ठीक तो इतना कुछ आप लोगों को इसमें इंक्लूड कर देना है तो ये टोटल आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर हो गया अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है एग्जामिन केस स्टडी ऑफ कुरकुमा नीम इन द टर्म ऑफ आई पी आर ये क्वेश्चन भी आप लोग का यूनिट फोर का ही है कहाँ पे है यूनिट फोर का है तो देख लेते हैं देखिए यूनिट फोर का नहीं ये क्वेश्चन आप लोगों का यूनिट फोर का ही है सही बात है ठीक देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए पेटेंटिंग एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आप नेचुरल प्रोडक्ट में देखिए यहां पे आपका दिया गया है केस ऑफ स्टडी कुमा एंड नेम तो ये क्वेश्चन के बारे में चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं शायद आप लोगों को सिलेबस अच्छी तरीके से नहीं दिख रहा होगा लेकिन आप लोग अपने सिलेबस में निकाल करके इसको मैचिंग कर लेना क्योंकि यहां पर थोड़ा सा मेरा ही सिलेबस ब्लर हो गया है पहले से ही तो देखिए, यहां पे आप लोग का आंसर दिया गया है स्टडी ऑफ नीम एंड स्टडी ऑफ केस ऑफ स्टडी या कुकुमा वीडियो को रोक करके अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लेना नहीं तो इसका आंसर आप लोगों को अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा वहाँ पर आसान तरीके से पढ़ लेना ठीक नहीं तो वीडियो को रोक करके अगर यहीं पे पढ़ना चाहते हैं तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है इसका नोट्स आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा यूनिट फोर का और यूनिट फाइव का आप लोग को नोट्स बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा यूनिट फोर और फाइव से ही ज़्यादा क्वेश्चन सेवन एंड टेन मार्क के बनते हैं ठीक तो देखिए केस स्टडी ऑफ़ नेम एंड केस स्टडी ऑफ़ प्रकोमा वीडियो को रोक करके आसान तरीके से इसको पढ़ लेना दो चार पॉइंट दिए गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसको आसान तरीके से पढ़ने की कोशिश करना टोटल समझ में आ जाएगा ठीक दोस्तों चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आई होप आप लोगों ने वीडियो को रोक करके पढ़ लिया होगा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया अगला क्वेश्चन डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन आयुर्वेदा क्या होता है इसके बारे में मैंने आप लोग को बताया है कि आयुर्वेदा मतलब ये हमारे दो वर्ड से मिल बने होते हैं आयुर प्लस वेदा प्लस वेद कुछ पे हो गया आयुर हमारे ये संस्कृत के दो वर्ड से मिल बने हैं संस्कृत के दो वर्ड से आयुर का मतलब क्या होता है और वेदा का मतलब क्या होता है आयुर का मतलब होता है लाइफ और वेदा का मतलब होता है नॉलेज या फिर स्टडी तो वही सब आप लोग को लिख देना है तो चलिए जान लेते हैं प्रिंसिपल इसके क्या हैं क्योंकि आयुर्वेदा सिस्टम के बारे में अभी हम लोगों ने सेक्शन ए का आंसर डी ही बात किया है लेकिन यहाँ पे सेक्शन सी में भी पूछ लिया है आंसर तीसरा आयुर्वेदिक सिस्टम क्या होता है आयुर्वेदा सिस्टम मैंने बताया आप लोग को कि ये लैटिन वर्ड सॉरी संस्कृत वर्ड से दो वर्ड से मिलकर है आयुर्वेदा आयुर् का मतलब होता है लाइफ वेदा का मतलब होता है साइंस या फिर नॉलेज ठीक और प्रिंसिपल इनके क्या होते हैं देखिए दी प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा बेस्ड होता है ऑन दी कॉन्सेप्ट ऑफ फाइव बेसिक एलिमेंट ट्राइव्स पांच बेसिक इनमें कॉन्सेप्ट होते हैं पांचों कॉन्सेप्ट को आसान तरीके से चलिए देखते हैं देखिए पांचों के पांचों पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो को रोक करके अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं पहला पॉइंट है हमारा अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा दी होल यूनिवर्स मेड अप ऑफ द फाइव एलिमेंट इन पंचा मेथड्स दी होल यूनिवर्स इंक्लूड ओल्ड प्लांट किंगडम एंड ऑल ओवर लिविंग बींग्स इन अदर वर्ड आफ फाइव एलिमेंट टूगेदर बेसिक्स फाइव एलिमेंट्स आर क्या हो गया एक्साइंट्रस हो गए एयर हो गए अग्नि हो गए ज्वाला हो गए जल हो गए वाटर पृथ्वी हो गए मतलब अर्थ ठीक फाइव एलिमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल पांच एलिमेंट जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेल्दी लाइफ के लिए इफ़ दीज एलिमेंट आर इम्बेलेंस दे का द डिफरेंट डिफरेंट डिजीज मतलब ये सब जो होते हैं इनमें से कोई भी एक इम्बैलेंस हो जाए एलिमेंट तो क्या होते हैं बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डिजीज होने लगते हैं तो यही पांचों होते हैं कौन कौन से होते हैं पांचों एलिमेंट का अगर नाम पूछ लेता है तो क्या लिखेंगे आकाश एयर मतलब हवा हो गया अग्नि मीन्स आग हो गए अग्नि जल पृथ्वी मतलब वन वन टू थ्री फोर फाइव आकाश एयर अग्नि जल और पृथ्वी ये पांचों एलिमेंट हैं अगर ये पांचों एलिमेंट में से कुछ भी इम्बैलेंस हो जाए तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डिजीज क्या होने लगते हैं होने लगते हैं आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा अगर किसी को कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अब देखिए दोस्तों इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है क्लासिफाई वेरियस फिक्स्ड आयल वैक्स यूज इन हर्बल कॉस्मोटिक ये हमारे यूनिट थ्री हर्बल कॉस्मोटिक्स से पूछा गया है एक बार हर्बल कॉस्मोटिक के बारे में मैंने डिस्कस कर ही लिया है कि हर्बल कॉस्मोटिक क्या होते हैं कितने टाइप के होते हैं उसी के बारे में टोटल पूछा गया है आयल वैक्सेस के बारे में वही सब आप लोगों को डिस्कस कर देना है नेक्स्ट क्वेश्चन शेड्यूल टी के बारे में पूछा है टी के बारे में जस्ट अभी आप लोगों को सेक्शन ए में ही बता दिया था और टोटल शेड्यूल टी को भी दिखा दिया हूँ अभी थोड़ी देर जेस्ट पाले ही सेक्शन ए जब करा रहा था ठीक अब देखिए न्यूट्रास्युटिकल का कैंसर का काज पूछ लिया है अभी हम लोगों ने डायबिटीज का भी डिस्कस किया है और डायबिटीज का भी दिखाया है और वहीं पर कैंसर के बारे में भी बता दिया और कैंसर के बारे में जितना कुछ आप लोग जानते हैं वो सब लिख सकते हैं उसमें इंक्लूड कर सकते हैं न्यूट्रास्युटिकल में जो कि आप लोग का यूनिट टू में इंक्लूड है ठीक अगला क्वेश्चन क्या है अगला नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है डिस्कस दी प्रेजेंट स्कोप एंड फ्यूचर स्कोप ऑफ हर्बल इंडस्ट्री हर्बल ड्रग इंडस्ट्री हर्बल ड्रग इंडस्ट्री का मतलब प्रेजेंट टाइम में स्कोप क्या है और फ्यूचर टाइम में इनकी स्कोप क्या है वो सब के बारे में डिस्कस करना है तो बहुत ही आसान तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी में बनते हैं अगर एक बार आप लोगों थोड़ा थोड़ा करके लेक्चर देख लेंगे और जो मैं नोट्स आप लोग को शेयर कर रहा हूँ जैसे कि के मेडिसिनल केमिस्ट्री में शेयर किया था टोटल क्वेश्चन उसी से ही आए थे एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आए थे तो इसी तरीके से अगर हमारे नोट्स को आप लोग फॉलो कर रहे हैं और जो आप लोग को पेपर सॉल्व कराया हूँ टोटल अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो इनमें से किसी को कोई डाउट नहीं होगा तो चलिए दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के पास ये लेक्चर शेयर कर देना जिससे वो लोग को अनुमान लग जाए कि हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से सॉल्व करना है तो चलिए दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल